उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल आगरा में जिला भाजपा के पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक की। इसके बाद विभाग की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आगरा की दोनों लोकसभा सीटों सहित प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य पर काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और नेता विहीन है। उन्होंने आजम खान के बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर कहा कि जो गलत करेगा वो बच नहीं। आगरा की दोनों सीटों सहित 24 में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। जनता का जैसा समर्थन हमको 2024 के लिए मिलता हुआ दिख रहा है, वह 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग 14 में जो 73 सांसद जीतने का आंकड़ा है उसको भी 24 में पार करेंगे और 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे।